रूस यूक्रेन के बीच पिछले एक साल से भी लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और ये उस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब रशिया के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक हुआ। इन दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों की एक तस्वीर अंकारा में देखने को मिली। दरअसल यूक्रेन के एक सांसद ने यहाँ रूस के प्रतिनिधि को घूसा मार दिया, जी हाँ, पंच किया। ये घटना अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक के दौरान की है। हुआ यूं कि यहाँ बैठक के दौरान फोटो सेरेमनी चल रही थी और इस दौरान यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंडर मोरिकोव्स्की यूक्रेन का झंडा लेकर खड़े थे, तभी रूसी प्रतिनिधि ने उनके हाथ से झंडा छीन लिया, झंडा छीनकर फेंक दिया और आगे बढ़ गए। यूक्रेन के सांसद मोरिकोव्स्की को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, वो रूसी प्रतिनिधि का पीछा करने लगते हैं और उन्हें रोककर उन्हें घूसा मार देते हैं। बाद में दोनों के बीच काफी ज्यादा कहासुनी भी होती है, उन्हें बीच बचाव की कोशिश भी की जाती है। मोरिकोव्स्की ने इस घटना का वीडियो पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि रूसी प्रतिनिधि ये पंच डिजर्व करते थे। खास बात यह है कि इस वीडियो को 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।